गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 5 का लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर 5 का नाम है ईएमआई एंड एसी। तो चलिए पहले शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन आइडियल सोलेनोइड। किसी आइडियल सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल का वैल्यू निकालना है। तो इसको लिखना स्टार्ट करिए। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, व्हाट इज इट्स इफिशियंसी। तो इस क्वेश्चन में तीन पार्ट है, ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है और इफिशियंसी क्या होता है। किसी भी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ये दोनों पावर बराबर होता है, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई भी पावर लॉस नहीं होता, इसलिए जितना इनपुट पावर होता है उतना ही आउटपुट पावर। इसका मतलब यह रेशियो 1 होगा और परसेंटेज में निकालेंगे 100 से गुना करके तो 100% आएगा। लेकिन जो भी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है उसकी इफिशियंसी कभी भी 100% नहीं होती। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए कि आइडियल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी, तो फ्रैक्शन में बोलिएगा 1 और परसेंटेज में बोलिएगा 100%। लेकिन ऐसे जो भी ट्रांसफार्मर हैं रियल लाइफ में, उन सब की इफिशियंसी 1 से कम होगी फ्रैक्शन में और परसेंटेज में 100% से कम होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एन एलसीआर सीरीज सर्किट व्हेन एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल। तो एलसीआर सीरीज सर्किट में इंडक्टर भी होता है, कैपेसिटर भी होता है, रेसिस्टर भी होता है। अगर एक्ससी का वैल्यू बड़ा होगा एक्सएल से, और व्हेन द सर्किट इज कैपेसिटिव, जब सर्किट कैपेसिटिव हो, कैपेसिटिव तब माना जाता है जब एक्ससी बड़ा होता है एक्सएल से, देन राइट द इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फ्लोइंग एट एनी टाइम इन द सर्किट। तो किसी भी टाइम पर जो करंट फ्लो होता है उसको हम इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं, जिसका ये इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर प्लस फाई तब लिखेंगे जब फाई ऊपर की ओर हो। तो ये ऊपर तब होगा जब एक्स सी बड़ा होगा एक्सएल से, तभी ये वाला जो नेट रिएक्टेंस है ये ऊपर जाएगा। अगर एक्सएल बड़ा होगा एक्स सी से तो ये रिएक्टेंस वेक्टर नीचे जाएगा और फाई क्या हो जाएगा, निगेटिव, तब यहाँ पर माइनस फाई देंगे। तो कैपेसिटिव सर्किट के लिए प्लस फाइव होगा, इंडक्टिव सर्किट के लिए माइनस फाइव होगा, ठीक है। कैपेसिटिव सर्किट में रिएक्टेंस वेक्टर एक्स ऊपर होगा, इंडक्टिव सर्किट में रिएक्टेंस वेक्टर एक्स नीचे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट।
क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू मीन बाय ईडी करंट। ईडी करंट क्या है? यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का हर एक शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में बराबर पूछे गए हैं। ईडी करंट का दो यूज हो गया, एक हो गया ट्रेन में मैग्नेटिक ब्रेकिंग के रूप में और एक हो गया इंडक्शन फर्नेस में मेटल को गलाने के लिए या मेल्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड। किसी ट्रांसफार्मर का कोर लेमिनेटेड क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द एनर्जी लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में चार तरह का लॉस होता है, सारे लॉस का नाम लिखिए। और द इफिशेंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर डिक्रीजेज बाय विच कॉजेज। किसी ट्रांसफार्मर की इफिशेंसी यानी दक्षता किन कारणों से घटती है? तो यही चार कारण है। जो वजह है लॉस होने के, वही वजह है इफिशेंसी घटने के। क्योंकि लॉस होगा तभी तो इफिशेंसी घटेगा, लॉस ही नहीं होगा तो इफिशेंसी 100% रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ ए चोक कॉइल और मोटर स्टार्टर और व्हाट इज ए चोक कॉइल।
क्वेश्चन नंबर 10 है, लेंज लॉ फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एक्सप्लेन। यानी लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, कैसे, उसको एक्सप्लेन करिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डू यू मीन बाय पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज वाटलेस करंट और व्हाट इज वाटलेस सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। नेक्स्ट है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दो लॉ दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सर्कुलर क्वाइल। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी इन ए क्वाइल। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, राइट द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के एवरेज और आरएमएस वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन निकालिए। तो
क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ कंज्यूम्ड पावर इन एन एसी सर्किट। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट आर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट।
क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन? क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज रेजोनेंट एलसीआर सर्किट, व्हाट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? तो शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, अब चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर। तो सबसे पहले हम लोग एसी जनरेटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एसी जनरेटर क्या है? वैसा जनरेटर जो एसी वोल्टेज प्रोड्यूस करता है उसको एसी जनरेटर कहते हैं। एसी जनरेटर को हम डायनेमो भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दो मैग्नेटिक पोल्स होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इस दोनों मैग्नेटिक पोल के बीच में एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये आप तीन हॉरिजेंटल लाइन देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक क्वाइल होता है, इस क्वाइल को आर्मेचर कहते हैं, जिसमें काफी सारे टर्न्स होते हैं। इस क्वाइल को एक मोटर के मदद से घुमाया जाता है अपने ही जगह पर। यह क्वाइल क्या होता है, एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूमता है। यहां पर देखिए क्या लिखा है, मोटर रोटेट्स क्वाइल विथ स्पीड ओमेगा।
तो इस कॉइल को एक मोटर के सहारे घुमाया जाता है ओमेगा एंगुलर स्पीड से, यानी एक सेकंड में यह ओमेगा रेडियन घूमता है, दो सेकंड में टू ओमेगा रेडियन घूमेगा, तीन सेकंड में थ्री ओमेगा रेडियन घूमेगा और टी सेकंड में टी ओमेगा यानी ओमेगा टी रेडियन कोण घूमेगा। मान लीजिए स्टार्टिंग में कॉइल का प्लेन फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, कॉइल बिल्कुल वर्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हॉरिजेंटल है और इस वर्टिकल कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा वो फील्ड के डायरेक्शन में होगा। मान लेते हैं टी बराबर जीरो समय पर कॉइल का यह पोजीशन है, कॉइल इस स्थिति में है टी बराबर जीरो समय पर, तो हम कह सकते हैं कि टी बराबर जीरो समय पर दोनों वेक्टर के बीच यानी फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, जीरो डिग्री है। अब मान लीजिए कॉइल घूमना स्टार्ट किया तो टी समय में यह कितना कोण से घूमेगा, जरा सोचिए टी सेकंड में यह कितना कोण घूमेगा, तो चूंकि इसका कोणीय स्पीड ओमेगा है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो एक सेकंड में ओमेगा रेडियन, दो सेकंड में टू ओमेगा रेडियन, तो टी सेकंड में टी ओमेगा रेडियन घूम जाएगा। तो जब यह कॉइल घूम जाएगा तो इसका एरिया वेक्टर नीचे चला आएगा और फील्ड वेक्टर तो वैसे ही रहेगा, तो फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होगा, कब, टी टाइम पर। तो टी टाइम पर फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होगा, जहां थीटा का मान ओमेगा टी होगा। अब इस पोजीशन में कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स का मान होगा, यानी टी समय पर फ्लक्स का मान होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला है बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है ओमेगा टी, तो बी ए कॉस ओमेगा टी, यह हुआ फ्लक्स का मान, इस कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स का मान टी टाइम पर। चूंकि यह फ्लक्स वेरिएबल है, यह टाइम टी है और जैसे जैसे टाइम चेंज होगा फ्लक्स चेंज होगा, तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। आप पढ़े हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर किसी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होता है तो यह फ्लक्स कांस्टेंट फ्लक्स नहीं है, इसमें कॉस ओमेगा टी है, इसका मतलब टाइम के हिसाब से यह फ्लक्स चेंज हो रहा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस एन डी फाई बाई डी टी होगा, जहां एन नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल में, तो माइनस एन डी फाई के जगह आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं बी ए कॉस ओमेगा टी। अब इसको डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, यहां पर बी और ए ये दोनों कांस्टेंट है, कॉइल कितना भी घूम ले उसका एरिया चेंज नहीं होगा और मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, तो ये दोनों कांस्टेंट को बाहर कर दो, तो डिफरेंशिएशन केवल किसका होगा, कॉस ओमेगा टी का। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ये माइनस और माइनस मिलकर हो गया प्लस, तो हो गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ये एन बी ए ओमेगा ये तो कांस्टेंट है, कॉइल के रोटेट करने से ना तो नंबर ऑफ टर्न बदलेगा, ना फील्ड बदलेगा, ना एरिया बदलेगा और ना कॉइल का एंगुलर स्पीड चेंज होगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से उसको घुमाया जा रहा है। तो ये जो कांस्टेंट है इसको हम ई नॉट कहते हैं, तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसका फॉर्मूला आ गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। आप जरा सोचिए मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई कॉइल रोटेट करेगा तो थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से वोल्टेज आएगा, वोल्टेज यह जो वोल्टेज है यह कैसा वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग, क्योंकि इसमें साइन फैक्टर आ गया, ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज कॉइल में इंड्यूस होगा तो उसके चलते जो करेंट आएगा, करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, कॉइल का अगर रेसिस्टेंस आर हो तो अब वोल्टेज का वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर, ई नॉट बाय आर को हम पीक करंट आई नॉट मान लेते हैं, तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये अल्टरनेटिंग करंट। इस तरह से एसी डायनेमो में बेसिकली क्या होता है, एसी जनरेटर या एसी डायनेमो में बेसिकली यह होता है कि एक कॉइल होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाया जाता है, कॉइल के रोटेशन से फ्लक्स चेंज होता है, वोल्टेज इंड्यूस होता है और यह वोल्टेज अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, तो उसके कारण सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं डायनेमो। यह क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पूछा गया एग्जाम में। ये एसी डायनेमो का डायग्राम है, ये दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, ये क्वाइल है,
यह क्वाइल दो मेटल के बने स्लिप रिंग से अटैच हैं, यहाँ ध्यान दीजिए स्लिप रिंग, ये मेटल के बने होते हैं, और यहाँ पर दो ब्रश हैं, B1 पहला ब्रश, B2 दूसरा ब्रश, यह ब्रश कार्बन का बना होता है। यहाँ पर दो टर्मिनल है, यह टर्मिनल ब्रश B1 के कॉन्टैक्ट में है और ये वाला टर्मिनल ब्रश B2 के कॉन्टैक्ट में है, और क्वाइल का रेसिस्टेंस मान लीजिए R है। तो जैसे इस क्वाइल को घुमाया जाता है मोटर के हेल्प से, ओमेगा स्पीड से ये क्वाइल घूमता है और इस सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने लगता है। तो इस तरह से यह एसी जनरेटर काम करता है। कंस्ट्रक्शन, द मेन पार्ट्स ऑफ एन एसी जनरेटर आर शोन इन द फिगर। फील्ड मैग्नेट, तो फील्ड मैग्नेट हो गया नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। आर्मेचर कहते हैं उस क्वाइल को जो क्वाइल रोटेट करता है। थर्ड है स्लिप रिंग्स, ये स्लिप रिंग्स मेटल के बने होते हैं जो क्वाइल के दोनों टर्मिनल पर अटैच होते हैं, इस रिंग को हम स्लिप रिंग कहते हैं। और एक कार्बन ब्रश, दो कार्बन ब्रश होते हैं जो एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट करते हैं। डायनेमो का प्रिंसिपल देखिए क्या है। व्हेन क्वाइल इज रोटेटेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन फ्लक्स चेंजेज सो एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एंड हेंस करंट फ्लोज इन द सर्किट। सिंपल सा प्रिंसिपल है कि क्वाइल रोटेट करता है, फ्लक्स चेंज होता है, वोल्टेज इंड्यूस होता है और करंट इंड्यूस होता है। अब इसका वर्किंग देखिए, मान लेते हैं कि T=0 टाइम पर, यानी बिल्कुल इनिशियल स्टार्टिंग में T=0 टाइम पर थीटा 0 डिग्री है। अब मान लेते हैं कि T टाइम में क्वाइल थीटा एंगल से घूम गया, तो थीटा का फॉर्मूला होगा ओमेगा T। तो T टाइम में क्वाइल से गुजरने वाले फ्लक्स का ये वैल्यू होगा B.A, यानी BA cos थीटा, थीटा का वैल्यू ये होगा T टाइम पर। इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला ये होता है, फाई को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू मिल जाएगा। और अगर ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये अल्टरनेटिंग नेचर का होता है क्योंकि इसमें साइन फैक्टर है, तो अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो ये अल्टरनेटिंग करंट इस तरह से सर्किट में फ्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस्टेब्लिश द रिलेशन एमंग पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बाय डिफाइनिंग देम। पहले कह रहा है कि पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू को डिफाइन करिए और फिर तीनों के बीच रिलेशन स्थापित करिए। तो इसके लिए कॉन्टैक्ट क्वेश्चन नंबर 23, 4 एंड 19 को शॉर्ट क्वेश्चन में जाकर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, 4 और 19, इस तीनों को मिलाकर इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस चैप्टर में दो ही लॉन्ग क्वेश्चन है और इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में,
यानी आप लॉन्ग क्वेश्चन को चाहें तो छोड़ सकते हैं, आप शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार कर लें और शॉर्ट क्वेश्चन से काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।